क्या आप सोच सकते हैं कि 10 लाख रुपए में एक टमाटर मिलेगा? जी हाँ, लेकिन ऐसा हो रहा है। दुनिया भर में महंगाई इतनी बढ़ रही है जिससे आम आदमी काफ़ी परेशान है। इसी महंगाई के बीच एक देश ऐसा भी है जहाँ कुछ चीज़ें खरीदने के लिए लोगों को बैग में नोट भरकर जाना पड़ रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि 5 टमाटर खरीदने के लिए आपको 50 लाख चुकाने होंगे? लेकिन ये सच है। वेनेजुएला ऐसा देश है जहाँ महंगाई ने जनता को बुरी तरह से जकड़ रखा है। खबरों के मुताबिक वहाँ 5 टमाटर खरीदने के लिए लोग 50 लाख बोलियर खर्च कर रहे हैं। महंगाई के चलते ये लोग यहाँ दिन में एक बार खाना खा रहे हैं। बता दें कि बोलियर वेनेजुएला की करेंसी है। इसके अलावा ईरान सबसे ज़्यादा महंगाई दर के मामले में आगे है। इजिप्ट में महंगाई दर 20.83% है। इस लिस्ट में लीबिया 9वें नंबर पर है जिसकी महंगाई दर 23.9% है। लीबिया के मुकाबले लिबेरिया में महंगाई दर 23.43% है, जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में महंगाई दर 29.30% है। इस लिस्ट के मुताबिक ईरान 6ठे स्थान पर है। तेल उत्पादन के लिए प्रमुख देशों में से एक ईरान में महंगाई दर 31.17% है। कुल मिलाकर भारत की भी अगर ऐसे में बात करें तो भारत की महंगाई दर 3.5% है। कुछ ऐसे देश हैं जहां महंगाई दर अब रिकॉर्ड स्तर पर है और यही वजह है कि एक टमाटर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए देना पड़ रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।